मैंने उनके शरीर से सारा जहर निकाल दिया है। अभी भी वो होश में नहीं आई है। 24 घंटे के अंदर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। मिलना हो तो मिल सकते हैं, बट डोंट डिस्टर्ब हर। राजू, मुझे मेरी माँ चाहिए। ये क्या बात हुई पटेल जी? आप जानती भी हैं आपने क्या किया है? कुछ दिन पहले आपकी बेटी कह रही थी कि उसे बाल राजू चाहिए, इसीलिए मुझे आपके खिलाफ जाना पड़ा। लेकिन आज आपकी यही बेटी कह रही है कि उसे अपनी माँ चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या करूं? जो कहेंगी सब करने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे प्यार की वजह से आपकी यह हालत है तो मैं उस प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपने सिर्फ अपने वादे के लिए अपने पति तक को छोड़ दिया था पटेल जी, वो है प्यार। अपने गांव वालों की खुशी के लिए आप कुछ ना कुछ करती रहती हैं, चाहे जो हो जाए, वो है प्यार। एक बात बताऊं आपको, मैं आपको प्रेम और सम्मान दोनों करता हूं। अभी कुछ दिन पहले गणेश चतुर्थी के लिए जमा किए हुए पैसों को हमने खर्च कर दिए थे। पूरा गांव हमें सुना रहा था, बस आप ही ने अच्छा कहा था। जब रथ में आग लग गई थी लोगों ने मुझे बहुत सुनाया था, लेकिन सिर्फ आप ही ने सपोर्ट किया था। पटेल जी, आज जब उसी गांव वालों ने मुझे सरपंच बनाया है तो आप ही मेरे साथ नहीं हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो जाऊंगा। ना मुझे प्यार चाहिए ना सरपंच का पद, बस आप सही सलामत रहनी चाहिए, सही सलामत। वादे के लिए आप कुछ भी कर सकती है ना, तो वादा करिए हमें छोड़कर नहीं जाएंगी, वादा करिए। पूरा गांव खाना खाए बगैर बस भगवान के सामने आपके लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं, वादा करिए पटेल जी। पटेल जी, आप ही ने कहा था ना कि मेरा प्यार आपके वादे से बढ़कर है, लेकिन आज मैं ही कह रहा हूं आपका वादा मेरे प्यार से बढ़कर है। हमारी सरपंच सिर्फ आप ही रहेंगी। हाँ। hey, कौन हो तुम? यहाँ क्यों चला रहे हो? दिखाई नहीं देता उनकी हेल्थ कितनी सीरियस है। इनके सीरियस होने की वजह मैं ही हूँ। अब इन्हें टाइम से दवाई दो और ख्याल रखो, तुम्हें नर्स से डॉक्टर बना दूंगा। हाँ, जाता हूँ। जब तुम लोगों से वादे की बात करती थी तो मैं हमेशा हल्के में लेता था, कभी नहीं सोचा कि तुम उसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दोगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा।